गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवास क्रिएशन। आज मैं अभी अभी छिछोरी देख के निकला हूँ। ये आज की नई रिलीज़ है और शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पर ये फिल्म आपको आज ही जाके देखनी है। मैं अभी अभी फिल्म देख के निकला हूँ और मैं लिफ्ट के सामने ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आज जब गया था थिएटर में सिर्फ चार ही लोग थे। और ये इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतनी खूबसूरत फिल्म है कि सबको ये फिल्म देखनी है। हर माँ बाप को देखनी है, हर बच्चे को देखनी है, हर दोस्त को देखनी है। ये फिल्म ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया है। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और एडिटिंग तीनों बहुत बढ़िया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है फिल्म की चरित्र। ये फिल्म कोई स्टार ओरिएंटेड नहीं है, ना ही कोई इनमें स्टार है। सिर्फ सुशांत सिंह और श्रद्धा कपूर नामचीन अभिनेता हैं इसमें, और बाकी सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। और सबका रोल बहुत अच्छे से लिखा गया है और सब ने बखूबी निभाया है। ये फिल्म आपको याद दिलाएगी थ्री इडियट्स की, और शायद मुझे लगता है ये फिल्म थ्री इडियट्स से भी थोड़ी बेहतर है। ये फिल्म आपको याद दिलाएगी अपने बचपन की। अगर आप 90s के हो या लेट 80s के हो, सो आपको ये याद दिलाएगी अपने कॉलेज, अपने स्कूल दिनों की। कहानी बहुत बहुत कुछ सिखाती है और बहुत हंसाती है, बहुत रुलाती है। ऐसी फिल्म आपको बहुत कम देखने को मिलती है। दिस इज़ राजकुमार हिरानी ब्रांड ऑफ फिल्म मेकिंग। यहाँ के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जिनकी लास्ट फिल्म दंगल थी। दंगल के डायरेक्टर कौन है हम किसी को नहीं पता, सब जानते वो आमिर खान की वजह से। पर वो फिल्म के डायरेक्टर बहुत बढ़िया थे, ये आज साबित हो रहा है, क्योंकि इस फिल्म की जो डायरेक्शन है वो आई थिंक मतलब कोई खामी नहीं है डायरेक्शन में। जिस तरीके से लिखा गया, उन्होंने को राइट किया है इस फिल्म को। छिछोरे का लेखन, कहानी, स्क्रीन प्ले, पटकथा, सब कुछ बहुत बढ़िया है। कोई बिना वजह का रोमांस नहीं है, कोई बिना वजह का गाना नहीं है। एक कॉलेज कंपटीशन के बारे में है, एक पूरे कहानी फ्लैशबैक और अभी के टाइम में आते जाते रहता है। और हाल ही में आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। पर कहाँ वो फिल्म और कहाँ ये फिल्म। आई मीन वेरी वेल डन सर, बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और आपका हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखूँगा। आप भी जाइए इस फिल्म को देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत, मैं ये फिल्म देखने वाला नहीं था पर कुछ और रिलीज़ नहीं थी तो मैं आ गया देखने। एक्चुअली मैं देखने वाला था जो इंग्लिश हॉरर फिल्म निकली है, पर वो बहुत लंबी फिल्म है और मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं था कि मुझे अभी और एक जगह जाना है, सो मैं ये देखने घुस गया। और क्या मूवी थी, पहले सीन से आखिरी सीन तक आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, कहानी किस मोड़ पे जाएगी। और इतनी बेहतर मूवी है, क्या बताऊँ, मतलब आपको बहुत इमोशनल कर देगी। हर माँ बाप को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर बच्चे को ये फिल्म देखनी। पेरेंटिंग क्या होती है, पीयर प्रेशर क्या होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, और इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट द स्ट्रगल। आप जीतना ज़रूरी नहीं है पर कोशिश करना, यही सबसे बड़ी बात है। आप जाइए ये फिल्म देखिए, छिछोड़े नियरेस्ट थिएटर में जाके देखिए, आज ही देखिए, बहुत बढ़िया फिल्म है। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय।